डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बायोलॉजी सेकंड ईयर का टेस्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 23 का, उसे हम देखने जा रहे हैं। देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स आर सिचुएटेड एट डैश, कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं। ये है करेक्ट आंसर सी, बेस ऑफ इंटर नोड इसे कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन प्लांट्स एलोंगेशन ऑफ सेल इज फेवर्ड बाय डैश लाइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है। सेल की जो एलोंगेशन है प्लांट्स में वो ब्लू लाइट की वजह से होती है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्लास्टोमेयर आर फाउंड ड्यूरिंग डैश, कि ब्लास्टोमेयर जो हैं वो पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लीवेज होगा, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है कि मेसोडर्म डू नॉट इन्वेजिनेट बट माइग्रेट मीडियली एंड कॉडली फ्रॉम बोथ साइड एंड क्रिएट डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक। नेक्स्ट है कि न्यूरोला इज अ स्टेज इन विच एम्ब्रियो हैज डैश न्यूरल ट्यूब, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। हैंस ट्राइसी performed his experiment on embryology, hence ने एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर तजर्बे किए विद द एग्स ऑफ डैश सी अर्चन, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इट गिव राइज टू मसल सेल्स, कौन है जो मसल सेल्स देते हैं आपके पास, करेक्ट आंसर जो है वो बी है, ग्रे साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है कि डिजनरेशन एंड डिसअपेरेंस ऑफ ड्रास्टिक टिश्यूज इन ब्लड वेसल्स रिजल्ट इन आर्टियोस्क्लेरोसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, हमारे पास ट्यूनिका मीडिया इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज मेट विद इन डैश, ये ए करेक्ट आंसर जो है वो मौजूद है, इसे हम नाम देते हैं प्लेनेरिया, करेक्ट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि केलाइन फिल्टर सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ डैश, केलाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं ये किसकी मिसाल में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, ट्राइसोमी। नेक्स्ट है कि पीसेज ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड ऑन डैश, कि जो पीसेज ऑफ डीएनए होते हैं इनको जब हम देखते हैं तो ये अलहदा कैसे होते हैं, एम सी क्यूज में जो आंसर है करेक्ट वो बी होगा। अगर रोज जेल आपके पास है, अगर रोज जेल, उसके बाद नेक्स्ट जो एम सी क्यूज है कि मैच रिकम्बिनेंट डीएनए विद वन ऑफ द फॉलोइंग्स, कि इनमें से रिकम्बिनेंट डीएनए को एक के साथ आपने मिलाना है, तो करेक्ट आंसर जो है वो ए है, काइमेरिक डीएनए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डैश, करेक्ट आंसर बी है, क्रिमिनोलॉजी। ड्यूरिंग डीएनए सीक्वेंसिंग सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पीसेज इज मेड अप ऑफ डैश, तो 15 का जो आपके पास आंसर है वो बी है, एगर रोज आपके पास एगर यानी कि। नेक्स्ट है कि एंथर कल्चरिंग इज यूज टू एक्सप्रेस, एंथर जो कल्चरिंग है वो एक्सप्रेस करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो बी है, हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आर्टिफिशियल सीड्स आर डैश, ये इसका आंसर सी है, एम्ब्रियो कवर विद जेल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प साइंटिस्ट ऑफ पिन पॉइंट डिजीज कॉजिंग जीन्स, ये इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास सी होगा, आर एफ एल पी। नेक्स्ट है कि ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज वेट्स कॉल्ड डैश बायोरिएक्टर्स, करेक्ट आंसर बी होगा। एंड लास्ट है द एकरेज ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट्स इन 1999 वाज, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, 70 मिलियन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।